प्रदेश के ऊपरी जिलों में बर्फबारी के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसको सामान्य करने के लिए प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने शिमला शहर में विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया तथा यातायात व विद्युत आपूर्ति सुचारू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीनें तैनात की गई हैं तथा सड़कों से बर्फ हटाने के लिए लगातार कार्य जारी हैं। सभी अधिकारियों को जरूरी सेवाओं को सुचारू बनाने के लिए लगातार कार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कश्यप ने कहा कि बर्फबारी से पूर्व प्रशासन द्वारा स्नो मैनुअल के तहत सभी तैयारियां की गई थी और जनजीवन को सामान्य बनाए रखने के लिए सभी विभागों द्वारा समन्वय के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुफरी तथा छरावड़ा में भ्रमण के लिए 84 बच्चों व स्टाफ के लिए IIHM कुफरी होटल ईवे और टेरिटोरियल आर्मी यूनिट कुफरी में रहने की व्यवस्था की गई है। उपमंडल अधिकारी ठियोग ने बच्चों से मुलाकात की है तथा उनके ठहरने का समुचित प्रबंध किया गया है। शिमला शहर में सड़कों से बर्फ हटाने के लिए 13 बड़ी मशीनें तैनात की गई हैं। उपमंडल स्तर पर सड़कों से बर्फ हटाने के लिए JCB व अन्य मशीनें भी तैनात की गई हैं। उन्होंने बताया कि जिला में वर्तमान में 3,90,836 लीटर पेट्रोल और 5,71,000 लीटर डीजल तथा 10,000 LPG के सिलेंडर उपलब्ध हैं। वहीं डोडा क्वार में खाद्यान्न समुचित मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ 13,500 लीटर मिट्टी का तेल उपलब्ध करवाया गया है। जिला में अन्य दूर दराज के क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों में समुचित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने सभी उपमंडल अधिकारियों को जनजीवन को सामान्य बनाए रखने के लिए दृढ़ प्रयास करने और मौके पर जाकर राहत कार्यों का निरीक्षण करने के निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं इतने प्रबंध होने के बावजूद शिमला के पिछले 6 घंटे से एक डेड वैन फंसी हुई है। ये डेड वैन 30 वर्षीय युवक जिसकी कैंसर से मौत हो गई थी उसका शव हमीरपुर लेके जाना था उसी में अभी तक फंसा हुआ है। लेकिन बर्फ में इसके फंसे होने के कारण अब प्रशासन के दावों की सारी पोल खुलती नजर आ रही है।